नहीं कर पाएंगे। देखो देखो जी, करते हैं स्टार्ट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस खत्म, बहुत अच्छे दिन हो गए, क्योंकि पॉइंट चार्जेस करे जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा, अब पूरे साल तो नहीं पॉइंट चार्ज करा सकते ना, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, रिंग के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी इंटीग्रेशन बेस चलेगा, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही फिर ये फिगर्स चेंज होती जाएंगी, पर इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं, धीरे धीरे, मतलब दो लेक्चर में एक बार चेंज होगी, फिर उसी के ऊपर रिजल्ट्स चलेंगे। चार पांच फिगर्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक चार्ज्ड रिंग है, बात नहीं करो प्लीज, चार्ज्ड रिंग है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे क्या करना है, इस रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस दूर, जहां मुझे ई निकालना है। ये रिंग है, रिंग है, इसके एक्सिस पे मुझे ई निकालना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज, अगर ये चार्ज रिंग है तो चार्ज यूनिफॉर्मली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक, क्यू चार्ज है, और ये इसका एक्सिस है, यहां मुझे ई निकालना है, तो प्लस वन। प्रॉब्लम ये है कि सीधा रिजल्ट लग नहीं सकता, क्योंकि कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए, और हमने भी ई पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस किया, बॉडीज के लिए नहीं किया। तो इसका एक ही इलाज है, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल चार्ज, कितना, डी क्यू, रेडियस ए है, और ये आर डिस्टेंस दूर आपको आंसर निकालना है। क्योंकि डी क्यू बहुत स्मॉल चार्ज है, डी क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं ई का, यहाँ क्या होगा, डी क्यू पॉजिटिव इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आएगा, क्योंकि डी क्यू स्मॉल चार्ज है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसका स्मॉल होगा। ठीक है यहाँ तक। फिर उसी तरीके से अगर ये थीटा एंगल लेते हैं, इमेजिन करो ये थीटा हो जाएगा, डी ई का एक कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट डी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करना पड़ेगा, रिंग के जितने भी केसेस होते हैं इसमें एक एलिमेंट की बजाय डायमेट्रिकली दो एलिमेंट्स लिए जाते हैं, मैं बताता हूं क्यों। एक एलिमेंट और ले लो यहां पर डी क्यू, ये इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा, सेम। ठीक, इससे क्या फायदा होगा, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये डी ई, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये डी ई, डी ई के दो कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा, डी ई का एक कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा, ये कॉम्पोनेंट इससे क्या हो गया, कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, टू डी ई कॉस थीटा। तो पूरे रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टू डी ई, बेकार, गलत, दो एलिमेंट का टू डी ई कॉस थीटा, पूरे रिंग का डी कॉस थीटा नहीं, दो एलिमेंट लिए, अभी पूरी रिंग बाकी है, तो दो एलिमेंट का सिर्फ टू डी ई कॉस थीटा, साइन कॉम्पोनेंट आपस में क्या कर गए, कैंसल। ये समझ में आ गया, ऐसी करके दो और एलिमेंट लेंगे तो वो फोर डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, और दो एलिमेंट कैंसल, साइन साइन तो हमेशा ही कैंसिल होते जाएंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट अगर एलिमेंट लेते जाएंगे, कॉस कॉस एक तरफ सारे वेक्टर इकट्ठे होते जाएंगे। तो दो एलिमेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन टू डी ई कॉस थीटा, एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ डी ई कॉस थीटा, राइट। तो एक एलिमेंट सिर्फ डी ई कॉस थीटा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि साइन कॉम्पोनेंट आपस में सारे क्या हो जाते हैं, कैंसल। तो एक काम करते हैं, एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन डी ई कॉस थीटा, एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन डी ई कॉस थीटा, पूरी रिंग के सारे डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा कॉन्ट्रीब्यूट करते जाएंगे एलिमेंट्स, उनको मिला दें, तो एक एलिमेंट लो और उसे क्या कर दो, इंटीग्रेट, तो पूरे रिंग का डी ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मिलके टोटल ई दे देगा आपको। पॉइंट समझ में आया यहां तक, कोई डाउट इसमें? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर आपने टू मिस कर दिया, इट शुड बी टू डी ई कॉस थीटा। नहीं, वो सिर्फ इसलिए समझाने के लिए था कि साइन कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक्चुअल में एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन डी ई कॉस थीटा ही रहता है।
दो एलिमेंट का 2ad cos थीटा, चार का 4de cos थीटा, आठ का 8de cos थीटा, हमें तो एक का ही चाहिए, तो एक का सिर्फ de cos थीटा। क्या स्टेप क्लियर है? de की वैल्यू क्या होगी बोलो? 1/4πε0dq/ इस डिस्टेंस का स्क्वायर de। इस de को उठा के मैं यहां पुट कर देता हूं, de पुट कर दिया, और cos थीटा बोलो क्या होगा? cos थीटा स्मॉल r डिवाइडेड बाय दिस √r² + a² ये रहा, cos थीटा ट्रायंगल से पुट कर दो, तो यहां से ये और ये मल्टीप्लाई होंगे रेज टू पावर 3/2, अंडर रूट है ठीक, तो ये रेज टू पावर क्या आ गया 3/2। इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है? चार्ज, तो चार्ज वाली टर्म्स डी क्यू की इंटीग्रेशन चलेगी, सब कुछ कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो एक स्टूडेंट मेरे से पूछा दूसरे बैच में, सर आर कैसे कांस्टेंट है? मैंने पूछा वो क्यों? कह रहे आर तो चेंज हो सकता है, आप 10 सेंटीमीटर पे ई निकालो, 4 पे निकालो, 5 पे निकालो, वो तो वेरिएबल है। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में मैं आर डिस्टेंस दूरी पे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर वैसे तो रिंग का रेडियस भी कॉन्स्टेंट नहीं है। तुम कहोगे 10 सेंटीमीटर की रिंग है, 15 सेंटीमीटर की रिंग है, फिर तो दुनिया में कोई चीज कॉन्स्टेंट ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, हाँ न्यूमेरिकल के अंदर आप 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो मर्जी पुट करना, आर की वैल्यू पुट करते जाना, आंसर आता जाएगा, पर फॉर अ गिवन क्वेश्चन ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। 1dq की इंटीग्रेशन क्यू है, ये फॉर्मूला याद कर लो, रिंग के एक्सिस पे काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, और ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, सीबीएसई में लिखने को आती है, 1/4πε0rq/√r² + a² raised to power 3/2, फॉर्मूला याद कर लो, मार्क कर लो। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? फिर एक स्पेशल केस आ जाता है, स्पेशल केस में अगर मैं चार्ज रिंग के सेंटर पे ई निकालने को कहूं, सेंटर पे, तो छोटे आर को क्या पुट कर दोगे? जीरो। जैसे ही छोटा आर जीरो पुट करोगे, ई क्या हो जाएगा? जीरो। सही है, ई की वैल्यू एक चार्ज रिंग के सेंटर पे याद रखना हमेशा क्या होगी, और वैसे भी पता ही है ये एलिमेंट, अगर मुझे कोई कहे कि कॉमन सेंस से बताओ तो ये +1 रखेंगे यहां पे जहां ई निकालना है, यहां का एलिमेंट इसे रिपेल करेगा, यहां का रिपेल करेगा, हर कोई अगर रिपेल करता रहेगा तो नेट ई ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? जीरो। तो याद रहेगा। और लास्ट स्पेशल केस है इसमें, अगर स्मॉल आर बहुत बड़ा हुआ ए से, ए बहुत छोटा है, रिंग का साइज बहुत छोटा, देखो इतना छोटा कि दिख भी नहीं रहा पीछे, पीछे के आगे भी दिख रहा, मैंने गायब भी कर दिया, ए बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो आपको लग रहा है कि पॉइंट नजर आ रही है, रिंग इतना छोटा है कि एक डॉट ही नजर आएगी, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो देखो इस फॉर्मूले में आर बहुत बड़ा है, ए छोटा है, तो ए कैन बी निगलेक्टेड, ए को उड़ा दो, r² raised to power 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर वही आएगा, इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये स्पेशल केस तो यूज नहीं होता, पर रिंग के सेंटर पे तो कम से कम यूज होता ही है। यहां तक क्लियर है? और लास्ट टॉपिक आज का,